नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबको हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट ने दोस्तों CSF ट्रेड्समैन का फॉर्म को फिल किया हुआ था और फाइनल दोस्तों उसको पता ही होगा कि उसकी जो ट्रेड्समैन की एडमिट कार्ड है सो रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बात करें, कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं क्या कि मेरे जो CSF ट्रेड्समैन का है क्या उसमें मेरा रनिंग होगा, टेस्ट टेस्ट होगा, आखिर क्या क्या होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार एडमिट कार्ड में तो बहुत सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, आखिरकार मेरा जो CSF जो ट्रेड्समैन का जो एडमिट कार्ड आया हुआ है तो उसमें मेरा क्या क्या होगा, नहीं होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आप सबको देने वाले हैं। और दोस्तों सारा बात करें, एक और जो मेन डाउट अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में ये भी चल रहा है कि जो हम जब हमने फॉर्म को फिल किया हुआ था उस समय जो हमने ट्रेड को चूज किया हुआ था, चाहे वाकफ़ हो, वाटर कैरियर का हो, जो भी आपने ट्रेड को चूज किया था उस टाइम, तो वहाँ पर कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो क्या अभी जब हम यानी कि जब डेट दिया हुआ है आपका, तो उस टाइम क्या हमें ट्रेड सर्टिफिकेट लेकर जानी चाहिए अभी, नहीं लेकर जानी चाहिए, इसके बारे में भी हम आप सबको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे। देखिए दोस्तों बात करें, एक कैंडिडेट का एडमिट दोस्तों हमने डाउनलोड किया हुआ था और इसमें देखिए आखिरकार क्या क्या मेंशन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर का नाम दिया हुआ है कि आपका जो सेंटर है सो कहाँ पर पड़ी हुई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका डेट पड़ा हुआ है 12/4/2023, तो आप देख सकते हैं खुद 12 अप्रैल को दोस्तों इसकी यहाँ पर देख सकते हैं आखिरकार वहाँ पर क्या क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि डेट ऑफ PST PT डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें दोस्तों आपकी हाइट चेस्ट ये सब दोस्तों मापी जाती है, और PT जिसमें दोस्तों फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट वहाँ पर मेजर की जाती है, जिसमें दोस्तों आपकी रनिंग रहने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको पता ही होगा 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कवर करनी है। सबसे मेन बात दोस्तों इसमें यही आ जाती है कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी पता नहीं होता कि क्या हमें वहाँ पर रनिंग होगा, मुझे रनिंग करवाई जाएगा, ये सब मान की पता ही नहीं होता, केवल एडमिट कार्ड उठाते हैं और दोस्तों सेंटर पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जब रनिंग हो जाती है, रनिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसे क्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कुछ भी सुविधा करके नहीं जाते, शॉर्ट पेंट ऐसे दोस्तों स्पोर्ट जो शूज होती है सब कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, और वहाँ पर पहुँच जाते तो उसका दोस्तों रनिंग नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि PST जिसमें दोस्तों आपकी हाइट चेस्ट मेजर की जाती है, वजन मेजर की जाती है, और PT में दोस्तों जिसमें आपकी रनिंग दोस्तों वहाँ पर देखा जाता है, 24 मिनट में दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कवर करनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कि दोस्तों वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें दोस्तों आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, सेम डेट सेम टाइम में दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। और दोस्तों और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट, जिसमें दोस्तों आपकी ट्रेड टेस्ट भी वहाँ पर रहने वाली है। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों बात करें, जो भी आप ट्रेड्समैन में फॉर्म को फिल किए होंगे, जिस भी ट्रेड के लिए दोस्तों फॉर्म को अप्लाई किए होंगे उस ट्रेड का दोस्तों वहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा। देख सकते हैं दोस्तों इस कैंडिडेट ने कॉन्स्टेबल कुक के लिए अप्लाई किया हुआ था, यानी कि यह जो दोस्तों ट्रेड टेस्ट देगा सो कुक के लिए देगा। अब दोस्तों बात करें लास्ट में, जो मेन बात आ जाती है, जो ट्रेड टेस्ट हमने फॉर्म को फिल किया हुआ, चाहे वो बार्बर के लिए हो, चाहे कुक के लिए हो, चाहे वाटर कैरियर के लिए, किसी के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ था, तो क्या हमें ट्रेड टेस्ट जब भी हमारा जो डेट दिया हुआ है उस टाइम क्या हमें सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा? तो दोस्तों बात करें, बिल्कुल आपको लेकर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दे, क्योंकि दोस्तों CSF में पहले नहीं मांगा गया था कि आप ट्रेड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट हमें अपलोड कीजिए उसके बाद ही हम आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन में जाने के लिए देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ था दोस्तों, अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो दोस्तों आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप जब भी जाएंगे PST PT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट में, तो दोस्तों वहाँ पर आपका वो सर्टिफिकेट लगने वाला है, कम से कम दोस्तों 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों सारा कुछ हमने इस वीडियो में आप सबको बता दिए हैं, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सबको हम बता देंगे आखिरकार वहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इसी तरह की हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।